हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नलिन आई एम करेंटली परसुइंग माय इंटर्नशिप फ्रॉम एमएएमसी दिल्ली और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें नीट के रिजल्ट के बाद ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए मेडिकल कॉलेज या क्या और अदर ऑप्शन हैं हमारे पास इस अगर हमें सिचुएशन में पाते हैं हम अपने आप को तो देखिए इसमें चार पाँच सवाल है जो हमको खुद से पूछने चाहिए कि हमने कितना एफर्ट डाला है इस अटैम्प्ट में हाउ मच एफर्ट एफर्ट हैव यू पुट इन दूसरा क्वेश्चन हाउ मच एफर्ट आर यू रेडी टू put इन अगर आप ड्रॉप लेते हो कितना एफर्ट डाल सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कि कहाँ पे मतलब हम अभी लाया कर रहे हैं लाइक like, हमारा क्या बॉर्डर के आसपास स्कोर है क्या हमारा स्कोर 580 600 620 ऐसा स्कोर है या फिर हमारा स्कोर 300 400 ऐसा है तो ये दो सीनारी बहुत डिफरेंट सीनारी हैं तो और एक और क्वेश्चन ये भी कि हमारे बैकअप ऑप्शन क्या क्या हैं और मे बी कुछ लोगों के लिए अप्लीकेबल होगा कि हमारे फैमिली कंडीशन कैसी सर्कमस्टानसिस कैसी हमारे फाइनेंशियल रिसोसेज कैसे जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं ड्रॉप लेने के लिए नहीं कर सकते तो वन बाय वन हम जाते हैं तो देखिए कि पहले तो ये ख़ुद से ऑनेस्ट ओपिनियन पूछना पड़ेगा जैसे कि मैं मुझे ये बोलते वक्त एक चीज़ याद आ रही है कि, कि घर से निकल कर जाता हूँ मैं रोज़ कहाँ एक दिन खुद का पीछा कर कर देखा जाए तो मतलब बेसिकली अब सबको तो दिखा दिया कि मैं पढ़ा पढ़ाऊँ दो साल पढ़ा पढ़ाऊँ इतना मैंने कोशिश करी मैंने बहुत कोशिश करी फिर भी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे लेकिन हमें अंदर डीप डाउन हमें पता होता है कि हमने कैसा एफर्ट किया कितना तो इफेक्टिव uh, लर्निंग थी और कितनी बस स्टडी आर्स दिखाने के लिए पढ़ाई थी तो पहले तो खुद से ये क्वेश्चन पूछना है क्या मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट दिया अगर क्लियरली आंसर है नो no, तो हाँ मे बी ये प्लस एक पॉइंट जा रहा है टूवर्ड्स गिविंग अनदर अदर अटैम्प्ट और अगर आंसर आ रहा है कि हाँ भाई मैंने मेरा बेस्ट अटैम्प्ट दिया फिर भी मेरे दो नंबर मतलब तीन सौ चार सौ ही आए या फिर कुछ आए तो अब आप थोड़ा सा डाइसी हो गया क्या करें तो अब इस पर हम बाद में आ सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एफर्ट आर यू रेडी टू पुट इन आपको अभी सही लग रहा है कि भाई मेरा तो हो गया मैं और नहीं पढ़ सकता मैं और नहीं पढ़ सकती तो फिर थोड़ा सा ये अगेन माइनस नब नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं इस साल ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं कि एक मेरा क्लोज़ फ्रेंड है उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक महीना बचा था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तो तो मैंने उसको बोला कि वो मुझे कह रहा था कि अब क्या ही पढ़ूंगा मैं अब तो ड्रॉप ही लेके कर लूँगा इस साल तो मेरा वेस्ट हो गया और अभी स्कोर चल रहा है 450 के आसपास तो मैंने उसको ये बोला कि तू तो अगर एक महीना अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहा है तो तुझे क्या लग रहा है तेरे लिए अगला साल बहुत आसान होने वाला है नेक्स्ट ड्रॉप ईयर की भी अपने अपनी प्रॉब्लम्स होती है ड्रॉप ईयर में आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो जाएगा आप अपने आपको थोड़ा सा इस मामले में ऐसा पाओगे कि अगर वो अलग पढ़ रहे हैं और मैं अलग पढ़ रहा हूँ ये क्या प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम सेम चीज़ को वापस पढ़ना ये भी एक इशू है तो ये सब ऑप्शंस आपको देखने हैं कि कि खुद को ये समझ मोटिवेट है कि अंदर से ये रिलेशन कि मुझे पढ़ना है मुझे ये क्लियर करना है तो पहले तो ये क्लियर करिए तीसरा ये क्लियर करिए कि मान लीजिए आपका स्कोर फाइव एटी सेक्शन एरिया बॉर्डर के आसपास बन रहा है तो आपको ये देखना है कि आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है एक तो आप यू कैन गो फॉर सम मेडिकल कॉलेज अगर थोड़ा और कम स्कोर आता जाए तो शायद आपको डेंटल कॉलेज मिल रहा होगा उससे और कम स्कोर स्कोर आ है तो फिर अलग अलग ऑप्शन है नर्सिंग है और मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज हैं तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी वो कोर्सेज आपको करना है उनके आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जज करने चाहिए कि कितना स्कोप है आज की डेट में डेंटल में कितना स्कोप है ऑल्टरनेट मेडिसिन में कितना स्कोप है नर्सिंग में ये सब आपको मैं नहीं बता सकता थोड़ा बहुत आपको आसपास पता करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा अपने लिए पर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं यार आई कैन आई कैन गेट बेटर मेरा स्कोर फोर था फिर मेरा फाइव हुआ और अब मैं सिक्स के आसपास आ गया था मैं गलती से रह गया तो मेरे हिसाब से ये गुड इनफ रीजन है आप एक अटैम्प्ट देना शायद नहीं करना चाहिए मतलब आराम से दे सकते एक अटैम्प्ट एक अटैम्प्ट देना मेरे हिसाब से किसी को भी ज्यादा शायद करने की जरूरत नहीं है अगर आपका स्कोर फोर हंड्रेड भी रहा फाइव हंड्रेड भी रहा आपको पता है आपने पढ़ाई नहीं करी तो एक अटेम्प्ट और देने से कुछ नहीं हो रहा मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ का एक साल वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट नहीं है यू आर लर्निंग समथिंग न्यू और एक साल से कुछ नहीं आप पूरी लाइफ का करियर डिसाइड कर रहे हो अभी अपना बट क्वेश्चन तब आता है कि दो ड्रॉप तीन ड्रॉप चार ड्रॉप मतलब कब कर तक करते रहना है ये तो वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा जो चार पांच क्वेश्चन आपने पूछे ये सब आपको तब और रिलेवेंट हो जाएंगे कित क्या मेरा बेस्ट एफर्ट डाल के भी मेरे 400 500 पाँच सौ यार हैं क्या मैं बस खुद को एक फॉल्स होप दे रहा हूँ कि नहीं यार इस बार नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो वो हमको थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन करके खुद से बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा तो ये मोरल एस सिनारियस हैं कुछ बैकअप ऑप्शन क्या क्या रख सकते हैं हम दिमाग में काफ़ी बच्चे होते हैं ड्रॉप करते वक्त बैकअप ऑप्शन अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे होते हैं साइड में आप बहुत सारे एग्जाम्स हैं आज की डेट में सी यू टी एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं साथ में आप इनफैक्ट मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो Uh, इस ड्रॉप के टाइम पे कुछ स्मॉलर कोर्सेस ज्वाइन करते हैं जो कि इनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत बूस्ट करता है साइमल्टेनियसली वो कोई कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ते रहते हैं मैंने बहुत बच्चे ऐसे भी देखे जिन्होंने डेंटल कॉलेज लेने के बाद में साइमल्टेनियसली उनको मन था कि नहीं मुझे मेडिकल एम बी बस ही करनी है उन्होंने उसके बाद भी कंटिन्यू किया तो ये आपकी ड्राइव पर डिपेंड करता है मतलब इसका आंसर मैं नहीं कर सकता आपके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आंसर बट हाँ ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बाइनरी नहीं है येस yes या नो no नहीं है? है ना ये सब क्वेश्चन को आंसर करिए और फिगर आउट करिए अपने लिए आई होप आप लोग और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने आप को कट करते हुए कि देखिए अगर आपका स्कोर फाइव रह गया सिक्स रह गया सिक्स रह गया और आज की डेट में कट ऑफ सिक्स से भी अगर ऊपर है तो मतलब वो नहीं होना है कि मेरे में ही दिक्कत थी मैंने ये कुछ गलत किया यार मतलब बहुत कॉमनली दो तीन क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं मतलब मेरे तो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं इनका दो अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन हुआ तो बहुत कॉमन है कि एक दो मिस्टेक इज़्त तो हो जाती है ना तो सबसे पहले तो रियलिटी से टच में आना है कि हाँ कोई बात नहीं मेरा पेपर ख़राब हुआ और मैं इससे बेटर कर सकता था कर सकती थी मुझे पता है अब मैं मेरे ऑप्शन एक्सप्लोर करती हूँ मैं एक अच्छी गाइडेंस के लिए बाहर जाती हूँ जाता हूँ और फिर मैं उसको फिगर आउट करूँगा है ना तो आई होप आपको कुछ इससे कुछ आई होप यू कैन टेक समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट